आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और टीजीटी हिंदी टीचर मैं यहाँ पे अपॉइंट हुआ और उससे पहले जब मास्टर्स लेवल पे हम जहाँ बीएड थे तो मुझे शौक था थोड़ा लिखने का, तो आज उसी शौक के जरिए मैं एक कविता लिख पाया हूँ। लेकिन इस कविता को जब मैं लिख रहा था तो सिर्फ फादर्स की जो अच्छाइयाँ जो लीडरशिप के गुण वही सामने आ रहे थे, और ये पॉइंट सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, सभी टीचर्स और सभी बच्चों की तरफ से है। और मेरी कविता का शीर्षक है माउंट कार्मल स्कूल गुंगा की शाम हुआ, और अगर आप भी मेरा साथ होते तो इस पॉइंट को और भी अच्छा मैं सोचूंगा कि रिस्पॉन्स मिला है आपकी तरफ से। तो शुरू करता हूँ फादर जी की तरफ से, पहले लाइन आपके लिए है सर। शांति का हुआ मुजस्मा गुणों की हुआ पना, शांति का हुआ मुजस्मा गुणों की हुआ पना, इस स्कूल को अलग स्तर पे ले गए माउंट कार्मल स्कूल गुंगा की शाम हुआ। शारीरिक रूप से समर कैंप तो बहुत देखे, पर जो सोच से परे वर्चुअल समर कैंप करवाया आपने। सब कुछ था एक जादू की तरह, सब कुछ था एक जादू की तरह, पर असल में जादू दिखाया आपने। स्कूल एग्जीबिशन ने तो कामयाबी के झंडे ही फहरा दिए, स्कूल एग्जीबिशन ने तो कामयाबी के झंडे ही फहरा दिए। एक अच्छे लीडर के रूप में दोहा मनवाया आपने। शिक्षक तो पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन शिक्षक को ब्रेन जिम का पाठ पढ़ाया आपने। सभी छात्रों शिक्षकों का बन गए हो मान आप, सभी छात्रों शिक्षकों का बन गए हो मान आप, माउंट कार्मल स्कूल गुंगा की हो शान आप। किसी बात का जरा भी घमंड नहीं, किसी बात का जरा भी घमंड नहीं, मानवता के सभी गुणों से परिपूर्ण हो आप। अध्यापक तो खाना परोसते थे आपको, अध्यापक तो खाना परोसते थे आपको, पर अध्यापक को खाना परोसकर खिलाते हो आप। कितनी भी तारीफ करूं सब कम है, कितनी भी तारीफ करूं सब कम है, बस इतना ही करूंगा माउंट कार्मल स्कूल गुंगा की शान हुआ, माउंट कार्मल स्कूल गुंगा की शान हुआ। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर फॉर द ब्यूटीफुल पॉइंट। आई जस्ट सिस्टर ओके।